नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन खरना का होता है, जहां पर प्रसाद बनता है सूर्य को। ये पूरी तरीके से ये पर्व जो है वो समर्पित है और ऐसे में दूसरे दिन जल लेकर आती हैं छठ व्रतियाँ और उसी जल से प्रसाद बनाकर तैयार करती हैं खीर और रोटी, और इसके साथ में जो केला होता है उसका प्रसाद बनता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ऐसे ही एक घर में मौजूद हैं जहां पर छठ हो रहा है और छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, और किस तरीके से व्रतियां छठ का प्रसाद तैयार कर रही हैं और रोटी को सेकते हुए नज़र आ रही हैं। बड़े ही शुद्ध तरीके से प्रसाद की तैयारी होती है, बड़े ही शुद्ध तरीके से प्रसाद बनाया जाता है, वो चाहे नहाए खाए से लेकर हो। और आखिरी जो दिन होता है, जो सूर्य को डूबते सूर्य को अर्घ देने का होता है और आखिरी दिन जो उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उस दिन का दिन हो तो जो भी प्रसाद बनता है वो बड़े ही शुद्ध तरीके से बनता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रसाद बनाया जा रहा है, रोटियां सेकी जा रही है, इसके साथ साथ खीर बनाए जाते हैं, दो तीन प्रकार के खीर होते हैं। और ऐसे में छठ व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से वो प्रसाद बना करके छठ व्रतियां तैयार करती हुई नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे शुद्ध मन से ये प्रसाद बनाया जाता है और काफ़ी मेहनत से प्रसाद बनाती हैं। जो लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, छठ महापर्व में एकजुट होते हैं, मिलते हैं और ऐसे में प्रसाद खाने एक दूसरे के घर भी जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, आप छठ कर रही हैं, कैसा महसूस होता है छठ करती हैं तो? बहुत सुकून मिलती है, ये छठ करने से आनंद मिलता है। उसके बाद ये जो मांगने से पूरा होती है, इसलिए पर्व ये बहुत महान कहा जाता है। ये गंगा जी जाते हैं, गंगा जी से पानी लाते हैं नहा के, उसके बाद ये खीर बनाते हैं, प्रसाद बना के सबको खिलाते हैं। तो प्रसाद अपने हाथ से जब छठ में बनाती हैं और उसके बाद सबको देती हैं पूजा करने के बाद, तो फिर कैसा महसूस होता है? बहुत सुकून मिलती है ये सब करने से, बहुत अच्छा लगता है। एक और व्रती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। छठ का प्रसाद बना रही हैं आप, तो छठ का प्रसाद बनाते वक्त किस तरीके से तैयार किया जाता है, हम आपसे जानते हैं। बहुत नियम धर्म से बनता है, हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मन इधर किए हुए हैं। किस तरीके से खीर बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है? पहले है कि चावल और दूध से खीर बनती है, बाद में है मीठा को से ही बनाया जाता है, प्रसाद को तैयार किया जाता है, और वही है रोटियां बनती हैं। रोटियां बना के वही सब पर्व लोग करेंगे, जिनको माता को भोग लगाया जाता है छठी मैया को, वही सब लोग सब प्रसाद खाएंगे, सभी लोग वही, हाँ सब वही लोग खाएंगे, सब अच्छे आत्मा सबको जुड़ी हुई लगती है कि हम लोग प्रसाद पा लिए। छठ का पर्व कितने सालों से आप करती आ रही हैं? ये लोग 5 साल से करती आ रही हैं। 5 साल से, तो कैसा अनुभव रहता है, कैसा लगता है जब छठ का? बहुत अच्छा लगता है, अंदर भीतर से खुशी आती है कि हम लोग कर रहे हैं परिवार के लिए, सबके लिए, कि सदा हम लोग का बना हुआ रहे, नहरे ससुरे हंसे खुशी से बना हुआ रहे, हम तो यही दुआ मांगते हैं। अच्छा, बहुत कठिन व्रत होता है छठ? बहुत है, माता सब पार करती है, वही छठी मैया सूरज भगवान सब पार लगा देते हैं, वही पार लगाते हैं सारा वही है। तो देखिए, ऐसे में छठ व्रतियों से बात कर रहे थे, प्रसाद बनाती हुई खुद नज़र आ रही है महापर्व में, जिस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है और छठ व्रतियों के चेहरे पर जो अलग तरह की रोशनी देखने को मिल रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आज खरना का दिन है, ऐसे में किस तरीके से छठ का प्रसाद बनाया जा रहा था वो हम आपको दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।